हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। आज हम देखेंगे कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। व्हाट इज प्रिंट फंक्शन? प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके हम कंसोल पे कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, प्रिंट फंक्शन के अंदर चाहे आप डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन का यूज करके उसके अंदर किसी भी स्ट्रिंग को पास करके प्रिंट करवा सकते हैं। चलो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप यहाँ फाइल पे जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर किसी भी फाइल का नाम डाल सकते हैं। मैं फन डेमो के नाम से प्रोजेक्ट बनाता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर जिस नेम से मैंने प्रोजेक्ट बनाई थी उस नेम से प्रोजेक्ट बन गया है। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाकर पाइथन फाइल पे किसी भी नाम से आप पाइथन के फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। मैं फंक्शन के नाम से पाइथन के फाइल को क्रिएट करता हूँ। आप यहाँ देखेंगे फंक्शन डॉट पी वाई नाम से पाइथन की फाइल बन गई है। अब हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। आप यहाँ देखेंगे मैंने पी आई आर प्रेस करा तो यहाँ पर ऑप्शन आ गए हैं। सीधा आप टैब का यूज कर सकते हैं या फिर आप इंटर दबा सकते हैं या फिर वहां जाके आप इंटर प्रेस करेंगे। हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। हेलो वर्ल्ड, तो आप इसे रन करेंगे। आप इसके स्क्रीन पे जाकर बैक बटन दबाएंगे और यहाँ देखेंगे कि रन फंक्शन को प्रेस करेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F10 की मदद से शॉर्टकट से भी प्रिंट करवा सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि आउटपुट आ गया है हेलो वर्ल्ड। अब हम देखेंगे कि कैसे सिंगल कोटेशन का भी यूज करके हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा सकते हैं। आप इसके अंदर किसी भी स्ट्रिंग का यूज करके प्रिंट करवा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F10 प्रेस करेंगे तो देखेंगे आउटपुट आ गया है। हम इसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन का यूज करके प्रिंट करवाएंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट F10 देखेंगे यहाँ पर आउटपुट आ गया है स्ट्रिंग, पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर सिंगल कोटेशन। इसी तरह आप प्रिंट करवाएंगे सिंगल कोटेशन का यूज करके डबल कोटेशन, पर्टिकुलर स्ट्रिंग पर डबल कोटेशन का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि आउटपुट आ गया हमारा। अभी तक आपने देखा कि सिंगल आर्गुमेंट को कैसे पास, सिंगल आर्गुमेंट को प्रिंट के अंदर कैसे पास करवा के आउटपुट। अभी तक हमने देखा सिंगल आर्गुमेंट को प्रिंट के अंदर पास करके आउटपुट देखा। अब हम देखेंगे कि कैसे मल्टीपल आर्गुमेंट को पास करके प्रिंट कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड कोमा वेलकम। अब इसे रन करेंगे तो देखेंगे कि आप यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया है। हमने इस पे डबल आर्गुमेंट को पास करके प्रिंट करा है। एक स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाना है तो देखेंगे कि कैसे मल्टीपल ऑपरेटर का यूज करके, और आपको जितनी बार प्रिंट करना है उतनी उतनी डिजिट को यूज करेंगे और रन करेंगे तो देखेंगे कि आउटपुट एक ही लाइन में 4 बार आउटपुट आ रहा है, हेलो 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 हेलो। अगर आप इसको नए नए लाइन में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो बैकवर्ड स्लैश एन का यूज करके प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होने लगा है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ डबल स्पेस आ गया है। इसका मतलब है कि प्रिंट फंक्शन ऑटोमेटिकली स्पेस लेता है एंड एट्रीब्यूट का यूज करके इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग पास करेंगे और रन करेंगे तो देखेंगे कि हमारा स्पेस गायब हो गया है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि कैसे सिंगल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन का यूज करें। प्रिंट आई एम गुड, आप रन करेंगे तो यहाँ देखेंगे इनवैलिड सिंटेक्स। ऐसा क्यों है कि आप
एक सिंगल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर आके बैकवर्ड स्लैश का यूज करेंगे और रन करेंगे तो देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ गया है आई एम गुड। इसी तरह आप डबल कोटेशन का भी यूज कर सकते। अब हम देखेंगे कि कैसे मल्टीपल टाइम सिंगल कोटेशन का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ सिंपल बैकवर्ड स्लैश, यहाँ पर भी बैकवर्ड स्लैश का यूज करेंगे और रन करेंगे तो आउटपुट आ गया है आई एम गुड एंड इट्स पाइथन प्रोग्राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।